ओलंपिक सिंबल्स, ओलंपिक सिंबल्स यानी कि ओलंपिक का चिन्ह, ओलंपिक का चिन्ह की आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ बेटा ओलंपिक के सिंबल्स दिए गए हैं, कुछ नहीं एक सिंबल्स दिया गया है, ठीक है। वो सिंबल्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, वो सिंबल था ओलंपिक फ्लैग के ऊपर जो फाइव रिंग्स थे, वो ओलंपिक सिंबल्स है। ये फाइव रिंग्स हुआ करते हैं ओलंपिक के अंदर जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आई टोल्ड यू अबाउट इट, ये क्या होते हैं, ये फाइव कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं, फाइव कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं और बताते हैं कि हम पूरा वर्ल्ड आपस में सब एक ही जैसा है, हम सब मिले हुए हैं, हम कहीं भी अलग नहीं है। कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, सेवन, महाद्वीप सात हैं, पर पांच को ही बताया गया। कल भी मैंने इस बारे में आपको बताया था, केवल पांच ही हैं क्योंकि अमेरिका साउथ और नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ अमेरिका में से दोनों में से एक कनेक्ट है केवल, और अटलांटा वहां कोई रहता नहीं इसलिए उसको दिखाया नहीं गया है। बाकी ये फाइव रिंग्स होते हैं, फाइव डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। अगर इस तरह का आप साइन देखते हो तो इसका मतलब है कि ये ओलंपिक सिंबल्स है। क्या है बेटा, ओलंपिक सिंबल्स है कि ओलंपिक को अगर कहीं दर्शाना हो, शो करना है कहीं पे, तो ये सिंबल्स आप कहीं बनाओगे ना, सपोज दैट कहीं बनाओगे और किसी को स्पोर्ट्स की नॉलेज है तो बता सकता है ये क्या है, वो ये बता देगा कि ये ओलंपिक सिंबल्स है, ये ओलंपिक के सिंबल्स हैं, ठीक है, ये ओलंपिक का सिंबल्स होता है। क्लियर, आइडल्स, आइडल्स क्या होता है, आइडल्स होता है हमारे आदर्श। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आप लाइफ में किसी को फॉलो करते हैं, आप सपोज किसी क्रिकेटर को देखते हो, किसी एथलीट को देखते हो, ठीक है, किसी पर्सन को देखते हो और सोचते हो कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, कि मुझे ऐसा बनना चाहिए, मैं ऐसा होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, वो उसका आइडल बन जाता है, उसका आइडल बन जाता है और वो उसको फॉलो करता है। फिर खाली फॉलो ऐसा नहीं है कि कपड़े पहन लिए, कर लिए, उसके जैसे हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू अचीव योर गोल, योर टारगेट, तो इट्स अ प्राइमरी नेसेसरी, योर परफॉर्मेंस शुड इन योर हार्डवर्क, आपका परफॉर्मेंस दिखाई देना चाहिए आपके हार्डवर्क में। ऐसा नहीं है किसी को आइडल मान लिया उसको आपने कहा कि जी हमें तो कॉपी करना है आपको, नहीं ऐसा नहीं है, कॉपी करने से नहीं होगा बेटा, ठीक है। आप किसी को मानते हैं, अच्छा आइडल मानते हैं, कोई जैसे सपोज दैट लता मंगेशकर है, तो आप कहोगे हमें तो लता मंगेशकर जैसा बनना है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अच्छा आवाज में गाना है, हिमा दास बनना है, अच्छी प्रैक्टिस के साथ रेस करना है, खाली हिमा दास बनना है, सुबह 8 बजे तक सोना है, नहीं, नॉट पॉसिबल दैट टाइम, ठीक है, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो आइडियल ऐसा ही, आइडियल वाक्य, एक सेंटेंस, एक सेंटेंस, गिशप पेनिसिल्वम एक पर्सन थे जो बहुत बड़े उपदेशक होते हैं, उपदेशक समझते हो किसे कहते हैं, जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु होते हैं, इन योर लैंग्वेज रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, जैसे बौद्धिस्ट में होते हैं दलाई लामा, बौद्ध में दलाई लामा जी होते हैं, हिंदुओं में क्या होते हैं, पंडित लोग होते हैं, मोमडन में मौलवी लोग होते हैं। तो बिशप पेनिसिल्वम थे, एक बहुत बड़े उपदेशक थे, उपदेशक थे, तो उन्होंने इन गेम्स को लेकर एक वाक्य बोला, एक वाक्य बोला, एक सेंटेंस दिया जो ओलंपिक आइडल्स बन गया। क्या था वो वाक्य, वो वाक्य था कि वी विन और नॉट इट्स अ डजंट मैटर, बट इट्स अ बिग थिंग वी पार्टिसिपेट इन
गेम्स और ओलंपिक्स, हम जीते या ना जीते, हम जीते या ना जीते, बट हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे गेम में। अगर हम हारने के डर से गेम भी नहीं खेलेंगे तो हम जीतेंगे कैसे? हम हारने के डर से अगर गेम ही नहीं खेल पाएंगे बेटा तो जीतेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा कि ये मैटर नहीं है कि वी विन और लूज, मैटर इज दैट कि वी पार्टिसिपेट और नॉट। मैटर ये नहीं है कि हम जीतते हैं या हारते हैं, मैटर ये है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। ये एक सिंबल बन गया, सॉरी आइडल बन गया, आइडल वर्क बन गया। जैसे लाइफ है, लाइफ में हम केवल जीत के लिए जीते हैं क्या कि लाइफ में जीत हो? नहीं, हमें डिफीट भी होना पड़ता है लाइफ में, हमें डिफीट भी, हार का भी सामना करना पड़ता है। तो हार के डर से क्या हम जीना छोड़ देंगे? केवल हम जिंदगी में जीतने के लिए आए हैं? नहीं, हम हारेंगे तभी हार से जीतना सीखेंगे। ठीक है, तो ये बिशप पेनिसिलॉन से उन्होंने बोला, ये आइडल वाक्य माना गया है। उन्होंने इसको ऐसे दर्शाया कि लाइफ इज नॉट विक्ट्री, लाइफ इज नॉट विक्ट्री, देयर इज अ चांस ऑफ लूजनेस, या हार के भी चांसेस हैं। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है ओलंपिक के। तो बेटा ओलंपिक के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हुए? ओलंपिक गेम्स का मेन मोटिव था कि खेल को, स्पोर्ट्स को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, लोगों तक पहुंचाना, इसको बेसिक नेसेसरी बनाना, प्राइमरी नेसेसरी बनाना लोगों के लिए। ठीक है, इसको प्राइमरी नेसेसरी बनाना, स्कूल वगैरह में फिजिकल एजुकेशन के इंपोर्टेंस को बढ़ाना, बढ़ जाएंगे, इससे बढ़ जाएगी फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू, बढ़ जाएगी। तो ये कुछ वर्क हैं जो ओलंपिक के हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, लोगों को अच्छा सिटीजन बनाना, इट इज द आल्सो वर्क ऑफ ओलंपिक। क्योंकि देखिए, अच्छा नागरिक बनेगा वही अच्छा देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकता है। एक अच्छा पर्सन जो गलत है बिहेवियर वाइज, और इंडीड उसके जो कार्य हैं वो गलत है, तो दैट टाइम हाउ कैन पॉसिबल ही कंट्रीब्यूट और सी कंट्रीब्यूट इन प्रोग्रेस इन कंट्री? नो, तब पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट कर सके देश की प्रोग्रेस में। भाई एक अच्छा आदमी, एक डॉक्टर, एक सैनिक, एक सोल्जर, ठीक है, एक सोल्जर, एक डॉक्टर, एक प्लेयर, एक आर्मी पर्सन, या फिर आप कह लीजिए पुलिसमैन, इंजीनियर, सीए, ये सब क्या है? ये देश की प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो जो स्पेस वगैरह का स्पेस रिसर्च में काम करते हैं, मेडिकल रिसर्च में काम करते हैं, दे आल्सो हेल्प टू डेवलप कंट्रीज, कंट्रीज को डेवलप करने में काम करते हैं। अब आप बताइए, कोई चोर, कोई गलत आदमी, चोर या रॉबर्स जो होते हैं, हैकर जो होते हैं, आप इमेज कीजिए कि ये क्या देश को कंट्रीब्यूट करेंगे स्ट्रांग बनाने में? नहीं करेंगे ना, कभी नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूशन इनका नील, जीरो। ठीक है, तो हाउ कैन इमेज, तो हम कैसे इमेज कर सकते हैं भाई, ये कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? तो ओलंपिक का मोटिव था एक अच्छा नागरिक बनाना, क्योंकि जब आप प्ले करोगे तो देखिए जो एडिक्शन है उससे दूर रहेंगे, नशे वगैरह से। ठीक है, अच्छा आपका करेक्टर रहेगा तो आप ऑलरेडी अच्छे बन गए ना बेटा, तो आप कंट्रीब्यूशंस कर सकते हो। ठीक है, डेवलपमेंट वैल्यू थ्रू
ओलंपियड, कहते हैं कि ओलंपिक के थ्रू हमारे अंदर कौन कौन सी ओलंपियंस के माध्यम से हम जब ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ओलंपियंस का ओलंपियम ओलंपियम का मतलब होता है कि जब हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी वैल्यू बढ़ जाती है, डेवलपमेंट वैल्यू बढ़ जाती है, या ओलंपिक खेलने के बाद हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटियां बढ़ जाती हैं। पहली है फ्रेंडशिप। हमारे अंदर जब आप देखिए जो खिलाड़ी होता है बेटा, मैं पहले भी इसको डिस्क्राइब कर चुका हूं, जो प्लेयर होता है वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, ना क्रिश्चियन होता है ना सिख होता है ना बौद्धिस्ट होता है ना जैन, उसका कोई रिलीजियस नहीं होता है। ही और शी रिप्रेजेंट ओनली देयर कंट्री। जब आपकी एक टीम है, यहाँ पे टीम है, तो आप जब एक जगह रहते हैं, एक टीम में रहते हैं, तो कभी पूछते हैं कि आपकी कास्ट क्या, रिलीजियस क्या है? नो, कभी नहीं पूछा जाता, आप सब एक सर्कल में रहते हैं। इसी तरह जब स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स में जाता है, तो जब वो एक मंच पे पहुंचता है, एक स्टेज पे पहुंचता है, तो वहां केवल वो प्लेयर होता है, ना उसकी कोई रिलीजियस पूछने वाला होता है ना कुछ। तो इस तरह क्या होता है, फ्रेंडशिप दोस्ती बढ़ती है पूरे वर्ल्ड के, जो प्लेयर एक दूसरे के कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, उसमें क्या होता है बेटा, उसके अंदर क्या होता है कि वो दोस्ती बढ़ जाती है उनके अंदर। आपस में जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं, आप फ्रेंड कब बनोगे, जब एक दूसरे के क्लोज आओगे, तो जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वहां पे फ्रेंडशिप बढ़ जाती है। ठीक है, सॉलिडिटी इसका मतलब होता है बेटा कि सॉलिड होना, मजबूत होना, आपस में भाईचारे को बढ़ाना। सॉलिडिटी का मतलब होता है कि भाईचारा बढ़ाना आपस में, पूरे वर्ल्ड को एक नजर से देखना, ना वहां कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, इसलिए वहां केवल सब एक प्लेयर बन जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। तो सॉलिडेटरी का मतलब होता है भाईचारा बढ़ाना, जिसे कहते हैं ब्रदरहुड। कि देखिए जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो फ्रेंडशिप तो बढ़ती है, पर जब ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो वो फ्रेंड से बढ़कर हो जाता है, आपके लिए एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है। तो इस तरह जब पूरा वर्ल्ड एक साथ आता है तो वहां पे ये नहीं लगता है कि ये मतलब किस कंट्री से है, वहां सब अपने को एक सॉलिड मजबूत एक दूसरे को संगठन में आ जाते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं वहां पे। वहां एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। इसके बाद है बेटा फेयर प्ले। ओलंपिक खेलने में जो हमें समझ में आता है वो होता है फेयर प्ले। फेयर प्ले क्या होता है? फेयर प्ले होता है बेटा, फेयर का मतलब साफ, प्ले का मतलब खेल, इसका मतलब साफ जगह पे खेलना नहीं है, साफ सुथरा खेल गेम को खेलना फेयर प्ले कहलाता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि एक स्पोर्ट ली जाती है, जब ओलंपिक स्टार्ट होता है तो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो सबके बिहाफ पे क्या करता है, ओथ लेता है, कसम लेता है नहीं लेता है, तो वो ओथ लेता है, वो बताता है कि हम खेल को पूरी ईमानदारी के साथ
बगैर किसी भेदभाव के साथ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम बगैर किसी भेदभाव के साथ इसको खेलेंगे। तो वहां पे क्या होता है, कोई एडिक्शन, कोई नशा वगैरह की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, अगर ऐसा कोई पर्सन पाया जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है ओलंपिक से, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अगर कोई पॉजिटिव वगैरह पाया जाता है। तो इसीलिए पहले से पूरे रूल एंड रेगुलेशन के साथ खेलेंगे और पूरे ईमानदारी के साथ खेलेंगे। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव, मतलब किसी के साथ एक जैसा अच्छा, जैसे पूरा ग्रुप है, कोई सपोज कीजिए पूरा ग्रुप है, तो वहां किसी के साथ ये नहीं देखना है कि ये किस कलर का है, किस कास्ट का है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना, इक्वल रिस्पेक्ट देना, ये होता है डिस्क्रिमिनेशन फ्री होना, भेदभाव जिसे हमारी सोसाइटी में होता है ना। पर जब हम ओलंपिक की बात करते हैं तो इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट होते हैं ये खत्म होने चाहिए। खेल इसलिए होता है, कभी देखिए अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हैं वो कैसी है, बहुत गरीब हैं, ठीक है, और यूएसए वगैरह के जैसे पर्सन है उसमें कुछ ब्लैक पर्सन नहीं है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा उसके, तो वो उससे मतलब नहीं है कि वो ब्लैक है या वाइट है, वो अमेरिकन है, उनको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी जितनी एक वाइट पर्सन को मिलती है, ब्लैक एथलीट को भी उतनी ही मिलेगी। वर्ल्ड का सबसे फास्ट पर्सन कौन है, हु इज द फास्टेस्ट पर्सन ऑफ वर्ल्ड, कौन है, उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट जो जमैका है, कैरबियन है, वो तो ब्लैक है, पर कभी देखा है आज उसी का नाम बोलता है पूरे वर्ल्ड में, सबसे तेज फास्टेस्ट पर्सन है अभी तक धरती का वो, ठीक है, तो उसी का नाम बोला जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन, पर बेटा ये कहीं ना कहीं हम इसको पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पाए अभी तक, क्योंकि जब हम देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 1936 की बर्लिन ओलंपिक, बर्लिन ओलंपिक की बात करते हैं जो जर्मनी के अंदर हुआ था, तो वहां पे 4 मेडल जीते थे अमेरिकन और अफ्रीकन प्लेयर थे जो ब्लैक थे, जो ब्लैक अमेरिकन और अफ्रीकन प्लेयर थे, उन्होंने गोल्ड 4 जीते थे, 4 गोल्ड जीते थे। पर क्या किया था, जो हिटलर था, हिटलर जानते हो ना आप, चांसलर जर्मनी का था वो, तो वो हिटलर था, उसने क्या किया था, उसने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी थी, उनको अलग कर दिया था। इसी तरह 1972 के जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें कुछ इजराइल प्लेयर्स को मार दिया गया था, ठीक है, 14 इजरायली प्लेयर्स को मार दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि अभी पूरी तरह हम डिस्क्रिमिनेशन से उबर चुके हैं, नहीं, अभी हम पूरी तरह इससे बाहर नहीं आ पाए, ठीक है। तो ये कुछ ओलंपियस जब बनते हो तो उसकी वैल्यू थी बेटा। इसके बाद लास्ट में हमारे टॉपिक बचते हैं 2, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और आईओसी। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। बेटा सबसे पहले एक आप बात सुन लीजिए, जो आईओसी बनाई गई ये फादर डिडोन के द्वारा बनाई गई थी, सॉरी फादर डिडोन कह रहा हूँ, कोवेटिन के द्वारा बनाई गई थी 1894 में। कब स्टैब्लिश हुई थी ये आईओसी, 1894 के अंदर बनाई गई थी। और वीकलेस
डार्मर स्ट्रीच विकलेस जो थे वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो कहां से थे, ग्रीस से, कहां के थे, ग्रीस के, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और थॉमस बैच, थॉमस बैच आज इसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट टाइम में कौन है इसमें, थॉमस बैच जो रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट है। अब मैं बात करता हूं पैरा सॉरी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो हम जानना चाहेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक है क्या बेटा ये ओलंपिक। सर इसमें तो सर इसमें जो बताया है वो तो बताया है कि वो यूनानी के थे। अच्छा किसमें बेटा, ये बुक में, एक मिनट ग्रीस कर लिया गया, ठीक है। अब इसको ग्रीस कंट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आईओसी की बात करते हैं तो 1894 में इसको बनाया गया था, और स्विट्जरलैंड के अंदर ल्यूशेन एक प्लेस है, स्विट्जरलैंड के अंदर ल्यूशेन एक प्लेस है जहां पे इसका हेडक्वार्टर है। राइट डाउन दिस थिंग या अंडरलाइन दिस थिंग, ल्यूशेन के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर ल्यूशेन एक प्लेस है, उसके अंदर आईओसी का हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका ल्यूशेन के अंदर बना हुआ है, क्लियर। अब मैं ओलंपिक से रिलेटेड आपको कुछ आईओसी से मतलब रिलेटेड कुछ बात बताता हूं। बेटा इसके अंदर 32 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑनरेबल मेंबर जिसे कहा जाता है। उसके बाद 105 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव अलग अलग देश के मेंबर होते हैं, ठीक है, और उन्हीं लोगों को मिला के ये एक तैयार होती है ओलंपिक कमेटी। अब अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट की आईओसी, और एक बात मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि जो आईओसी है, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को आईओसी कह दिया तो क्या हम इंडिया ओलंपिक कमेटी भी कह सकते हैं, इंडोनेशिया ओलंपिक कमेटी भी कह सकते हैं? जरा सोचो अपने दिमाग पर जोर डाल के बेटा, इसको हम इंडियन ओलंपिक कमेटी भी तो कह सकते थे, इंडोनेशिया कमेटी भी कह सकते थे, इंडोनेशिया ओलंपिक कमेटी। पर रिमेंबर वन थिंग, जो आईओसी है वो केवल, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर, कैन यू प्लीज सेट द कैमरा प्रॉपरली, वी कांट सी द ब्लैक बोर्ड, यू कांट सी राइट नाउ, यू कैन सी, नो सर, नाउ यस सर, नो नो सर, थोड़ा नीचे कर दो, इट्स ओके सर, अब ठीक है, नो नो इट्स सम प्रॉब्लम, नाउ यू कैन सी, यस सर, थैंक यू, वेलकम। Now we turn on IOC. So remember one thing, कि जो IOC है वो केवल identification है, National Olympic Committee के लिए, बाकी हम किसी को भी IOC के नाम से नहीं जानेंगे। जैसे हम इंडियन को कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, IOA, क्या कहते हैं, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो उनके अपने एसोसिएशन है, ऐसे ही इंडोनेशियन एसोसिएशन ऑफ ओलंपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर आईओसी कोई नहीं रखेगा, जिस कंट्रीज का नाम आई से आता है, जैसे ईरान है, इराक है, ये आई से स्टार्ट होंगे, बट आईओसी कोई नहीं कहेगा इन्हें, आईओसी जस्ट फॉर द ओलंपिक कमेटी जो है इंटरनेशनल, उसके लिए डिस्क्राइब किया जाएगा, और किसी को यूज नहीं किया जाएगा इसके लिए, और किसी कंट्रीज का नाम यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी एसोसिएशन बन सकती है उस देश की अपनी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट, इसके जो जो मेंबर होते हैं, पहले प्रेसिडेंट होते हैं, सबसे बड़े यही होते हैं प्रेसिडेंट,
ओलंपिक कमेटी के अंदर तो बेटा ये इलेक्टेड होते हैं 8 साल के लिए, इनका सिलेक्शन होता है किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके द्वारा, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है वो सेलेक्ट करता है एक पर्सन को कि हम इसको करते हैं और बाकी उसको सपोर्ट करते हैं कि ठीक है ये प्रेसिडेंट होने चाहिए, ये प्रेसिडेंट होने चाहिए, तो उनको इलेक्टेड कर दिया जाता है कितने साल के लिए बेटा, 8 साल के लिए, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए उनको इलेक्टेड कर दिया जाता है कि आप सेलेक्ट हो गए। इसके बाद ये नंबर ऑफ प्रेसिडेंट कितने होते हैं, केवल एक होते हैं, ठीक है बेटा। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कितने होते हैं ओलंपिक कमेटी में, 4, केवल 4 होते हैं, ठीक है। और उनका जो वर्क होता है वो केवल 4 साल के लिए होता है, कितने साल के लिए होता है, 4 साल के लिए। और हो सकता है कि मेंबर एग्जीक्यूटिव मेंबर कहें तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्य होता है वो और आगे बढ़ा दिया जाता है, और आगे बढ़ा दिया जाता है कि आप और समय के लिए काम कर सकते हो। 4 एग्जीक्यूटिव होते हैं, सॉरी 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं इसके अंदर 105, 105 बोर्ड मेंबर्स होते हैं और वो सेलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। ये कह रहा है द आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट द प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट एंड 10 अदर मेंबर्स, ऑल मेंबर ऑफ आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैव इलेक्टेड टू आईओसी सेशन ऑल द मेंबर्स। तो एग्जीक्यूटिव तो ये बोल रहा है कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं केवल 10 बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ठीक है, और उसके अलावा 4 प्रेसिडेंट और सॉरी 4 वाइस प्रेसिडेंट और एक प्रेसिडेंट। इसी में यही ले देता हूं। अच्छा नहीं लिख देता, मेन फंक्शन। अब इसके काम क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले कामों के बारे में बता देता हूं मैं कि ओलंपिक कमेटी के क्या क्या काम होते हैं। कोई नया रूल बनेगा किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ओलंपिक में, उसकी इंफॉर्मेशन सभी कंट्रीज को भेजना, ओलंपिक गेम्स कहाँ होंगे कब होंगे उसके बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेना। जैसे अगर हम बात करें जैसे 2020 का टोक्यो में था, 24 का कहाँ था, पेरिस में, 28 का कहाँ पर है, लॉस एंजलिस में है शायद, कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म है जी, लॉस एंजलिस में है, तो लॉस एंजलिस में है 28 का। अब ये शेड्यूल दिया गया है, कंफर्म नहीं है बट ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे अनफॉर्चुनेटली इस साल का जैसे अब पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए ओलंपिक, तो क्या होगा ये दोबारा से सारी चीजें होंगी वहां पे, क्वालिफाइंग द्वारा से होगा, सब कुछ द्वारा से होगा, रूल एंड रेगुलेशन की जानकारी देना, फंक्शंस मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके, कि रूल एंड रेगुलेशन की जानकारी देना, प्लेयर्स को वहां कलेक्ट करना, उनकी रिपोर्ट जो है एडिक्शन की, डोपिंग जिसे कहते हैं, उनकी डोपिंग वगैरह करानी, उनको ग्राउंड प्लेस और हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी, वो सब मेन वर्क होते हैं ओलंपिक आईओसी के। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स दो तरह के होते हैं बेटा, समर और विंटर, ठीक है। तो पहले क्या होता था मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक गेम्स केवल पहले कैसे होते थे, समर समर पे होते थे, ठीक है।
पर 1924 में इसको विंटर में आने लगे। 1924 से ये विंटर ओलंपिक भी होने लगे और 1992 तक दोनों सेम ईयर में होते थे, ठीक है, 1992 तक दोनों सेम ईयर में होते थे, ठीक है। जैसे अभी ओलंपिक हुआ है 2020 में और विंटर में ही 2020 में विंटर ओलंपिक हो जाएगा। दो टाइप के ओलंपिक होते हैं, समर और विंटर, ठीक है। तो पर क्या हुआ, 92 के बाद कमेटी ने डिसीजन लिया कि नहीं, वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसको अलग अलग टाइप से कराएंगे, समर अलग टाइम में और विंटर अलग टाइम में। तो क्या किया गया बेटा कि वहां पे डिवाइडेशन कर दी गई। अब जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, जैसे 2020 में हुआ है तो 22 में विंटर होगा, समझिए, जैसे 20 में समर हुआ तो 22 में विंटर होगा, 24 में समर होगा, 26 में फिर विंटर होगा, यानी दो दो साल के गैप के बाद, दो साल का गैप दे देते हैं उसके बीच में, ठीक है, समर और विंटर में, जबकि विंटर के कुछ गेम्स भी कम हो जाते हैं, विंटर के कुछ गेम भी कम हो जाते हैं, वहां पे लिमिटेड गेम होते हैं, सारे गेम्स नहीं होते। तो इस सब को मैनेज करना ओलंपिक कमेटी का काम है। जैसे मैंने बताया 1924 तक केवल समर गेम होते थे, उसके बाद विंटर भी होने लगे, विंटर गेम्स की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, तो वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नॉर्मल गेम नहीं खेल सकते, तो उनके लिए कुछ स्पेशल गेम्स बनाए गए, ठीक है। तो ये आज है, बाकी के टॉपिक कल की क्लास में।